बीजेपी को लगेगा भगवान राम का श्राप, नहीं मिलेगी माफी। शंकराचार्य बोले, राम मंदिर में पूजा करने से राक्षसी शक्ति होंगी ताकतवर। उद्धव ठाकरे को भेजा गया राम मंदिर का न्योता। शिवसेना यूबीटी के नेता उद्धव ठाकरे को भी राम मंदिर के उद्घाटन कार्यक्रम का न्योता भेज दिया गया है। उन्हें स्पीड पोस्ट से न्योता भेजा गया है। 20 जनवरी को उद्धव को यह न्योता मिला, जिससे शिवसेना यूबीटी के नेता भड़क उठे। सबसे पहली बात तो ये कि न्योता बहुत देर से भेजा गया, और दूसरा इसे भेजने का तरीका भी गलत था। उद्धव को न्योता डाक से भेजा गया। उद्धव गुट के सांसद संजय राउत इसे लेकर भड़के हुए हैं। उन्होंने कहा कि स्पीड पोस्ट से निमंत्रण भेजने पर भगवान राम बीजेपी को श्राप देंगे। बीजेपी मशहूर हस्तियों और फिल्मी सितारों को विशेष निमंत्रण दे रही है, उनका राम जन्मभूमि से कोई लेना देना नहीं है। ठाकरे परिवार के साथ इस तरीके का व्यवहार कर रहे हैं, जिन्होंने राम जन्मभूमि आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके लिए भगवान राम आपको माफ नहीं करेंगे, श्राप देंगे। आप भगवान राम से प्रार्थना कर रहे हैं और रावण की तरह सरकार चला रहे हैं। वैसे उद्धव ठाकरे पहले कह चुके हैं कि उन्हें राम मंदिर जाने के लिए निमंत्रण की आवश्यकता नहीं है। वे पहले भी कई बार अयोध्या आ चुके हैं। उद्धव ने मांग की है कि प्रधानमंत्री मोदी की जगह राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रामलला के पंग मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कराएं। उद्धव ठाकरे ने कहा था कि राम मंदिर उनके पिता बाला साहेब ठाकरे का सपना था। मंदिर का उद्घाटन खुशी का पल है, लेकिन बीजेपी ने इस आयोजन पर कब्जा कर लिया है। शिवसेना यूबीटी चीफ को न्योता तो मिल चुका है, लेकिन उन्होंने साफ कर दिया है कि 22 की जगह वो इसके बाद अयोध्या जाएंगे। जाएंगे जरूर, क्योंकि राम मंदिर बने ये सपना हर शिव सैनिक का था, और जब ये मंदिर बन चुका है तो हम प्रभु राम के दर्शन करने जरूर जाएंगे। शिवसेना यूबीटी ने कार्यक्रम को बीजेपी और आरएसएस का कार्यक्रम बनाने पर जरूर आपत्ति दर्ज कराई है। वैसे इंडिया गठबंधन के दूसरे तमाम नेताओं को भी न्योता भेजा गया है, लेकिन उन्होंने 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाले कार्यक्रम में शामिल होने से इनकार कर दिया है। लेकिन ये भी साफ कर दिया है कि इस दिन वो दूसरे मंदिरों में पूजा जरूर करेंगे। साफ है उन्हें राम मंदिर से कोई हर्ज नहीं है, हर्ज है तो सिर्फ इसके राजनीतिकरण से। इंडिया गठबंधन साफ कर चुका है कि धर्म और राजनीति तो अलग रहने चाहिए, लेकिन बीजेपी राजनीति के अंदर धर्म लेकर आ रही है। इंडिया की ओर से राम मंदिर को लेकर कोई विरोध नहीं हो रहा है, सिर्फ इसके तरीके को लेकर विरोध हो रहा है। तो दूसरी ओर शंकराचार्य तो इस समय उद्घाटन का ही विरोध कर रहे हैं। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद का तो ये तक कहना है कि मंदिर के वास्तु के हिसाब से बिना ध्वज के मंदिर में आसुरी यानी राक्षसी शक्तियां विद्यमान हो जाती हैं। ध्वज हमेशा ही शिखर पर लगाया जाता है। अयोध्या में बन रहे राम मंदिर का शिखर अभी तक तैयार नहीं हुआ है, और ऐसे में उस पर ध्वज भी नहीं लगेगा। बिना ध्वज के मंदिर में अगर पूजा की गई और कर्म कांड किए गए तो इससे राक्षसी शक्तियों को बल मिलेगा और दैवीय शक्तियों को इससे कोई लाभ नहीं होगा। शंकराचार्य के विरोध के चलते ही बीजेपी इस मंदिर का राजनीतिक लाभ उठाने की स्थिति में नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि पार्टी के नेता शंकराचार्य को जवाब नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि उन्हें एहसास है कि शंकराचार्य से धर्म के नाम पर भिड़ने का नुकसान ही होगा। तो दूसरी ओर बीजेपी की नेता उमा भारती ने तो यहां तक कह दिया है कि शंकराचार्य का अपमान वो बर्दाश्त नहीं करेंगी, वो धर्म की राह दिखाने वाले हैं। एमपी के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान भी शंकराचार्य की तारीफ कर चुके हैं। यानी राम मंदिर के उद्घाटन पर बीजेपी बुरी तरह से फंसती दिखाई दे रही है। इंडिया गठबंधन तो उसे घेर ही रहा है, शंकराचार्य के सवाल भी उसे परेशान कर रहे हैं। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने तो यहां तक दावा किया है कि उन्होंने मंदिर ट्रस्ट के सचिव चंपत राय से कुछ सवाल किए हैं, लेकिन उनके सवालों का कोई जवाब अभी तक नहीं मिला है। ब्यूरो रिपोर्ट, द नव दर्पण न्यूज़।